हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। और आज की हमारी ट्रेन है 22932 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन तक चलती है। जैसलमेर जिसका स्टेशन कोड है JSM और बांद्रा टर्मिनस का स्टेशन कोड है BDTS। ट्रेन का इनॉगरल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था शनिवार 25 जनवरी 2014 को, और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवेज को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही हैं। ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। हर शनिवार को ये ट्रेन जैसलमेर से रवाना होती है और हर रविवार को ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस मुंबई पहुंचती है। आज की इस वीडियो में इसी ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। इसी ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस ट्रेन का रूट कौन सा रहता है, ट्रेन का कौन सा स्टॉप है, कौन कौन से स्टॉप पर कितना देर रुकती है, ट्रेन में खाने पीने की सुविधा कैसी है, ट्रेन की साफ़ सफाई कैसी रहती है, ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं आपको, और सबसे बात की इस ट्रेन का किराया क्या रहता है। इन जैसे तमाम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके अलावा आपको किसी और ट्रेन से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ट्रेन का नंबर लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस तक के 1235 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 21 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 25 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए बांद्रा टर्मिनस मुंबई पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो कि भगत की कोठी से विरार के बीच रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे वेस्टर्न रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाती हैं। केटरिंग से संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें। इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल रहता है और इसके अलावा ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की भी सुविधा मिलती है आपको इस ट्रेन में। तो अब बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कम्फर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 2 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 8 कोच रहता है, थर्ड AC का 6 कोच रहता है, सेकेंड AC का 2 कोच रहता है और एक कोच में फर्स्ट और सेकेंड AC को मिलाकर रहता है। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस तक डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों टाइप के लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। जोधपुर जंक्शन में इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाता है। जैसलमेर से जोधपुर तक के इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है, जो कि WDP 4, 4D या 4B रहता है। और जोधपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है, जो कि WAP 7 रहता है, और ये लोकोमोटिव इस ट्रेन के ऑफिशियल लिंक है। ट्रेन का रेक रिवर्सल पोकारन रेलवे स्टेशन में होता है। आइए अब बात करते हैं जल्दी से इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवेज द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया होगा, और ये किराया जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस तक का पूरा कंप्लीट किराया है। जय क्लास की बात करते हैं, इसका बेस पर रहता है 305 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये, इन सबको ऐड करके जय क्लास का टोटल रहता है 335 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस पे रहता है 530 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल रहता है 580 रुपये। थर्ड AC का बेस पे रहता है 1367 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 73 रुपये, इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1525 रुपये। सेकेंड AC का बेस पे रहता है 1976 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 104 रुपये, इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल रहता है 2175 रुपये। फर्स्ट AC का बेस पे रहता है 3369 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये, GST 176 रुपये, इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल रहता है 3680 रुपये। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया, ये सब मैंने IRCTC रेट कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहे तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं जब आपको यात्रा करनी हो, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने किराए में लगातार बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन जैसलमेर से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है शाम के 5:40 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया है वीडियो में, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। पहला स्टॉप है पोकारन, यहाँ पर ट्रेन शाम के 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 7:05 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है रामदेवरा, यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:38 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 7:41 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है फलोदी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 8:20 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 8:25 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है।
चौथा स्टॉप है OCM, यहाँ पर ट्रेन रात के 9:21 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 9:24 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है जोधपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 11:00 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 11:15 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5:15 का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है पाली मारवाड़, यहाँ पर ट्रेन रात के 12:22 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:27 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है मारवाड़ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 1:05 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 1:07 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है रानी, यहाँ पर ट्रेन रात के 1:43 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 1:45 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है फालना, यहाँ पर ट्रेन रात के 1:58 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 2:00 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है जवाई बंद, यहाँ पर ट्रेन रात के 2:14 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 2:16 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ग्यारहवां स्टॉप है आबू रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:20 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 3:30 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बारहवां स्टॉप है पालनपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:20 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 4:22 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तेरहवां स्टॉप है उंझा, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5:00 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 5:02 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौदहवां स्टॉप है महेसाना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5:25 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है और 5:27 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पंद्रहवां स्टॉप है साबरमती बीच, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:18 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:20 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सोलह स्टॉप है अहमदाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:55 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है और 7:05 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। सत्रहवां स्टॉप है नादियाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:09 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:11 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अठारहवां स्टॉप है आनंद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:24 प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 8:26 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। उन्नीसवां स्टॉप है वडोदरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:58 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है 9:03 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बीसवां स्टॉप है भरूच जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:48 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है 9:50 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। इक्कीसवां स्टॉप है सूरत, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:53 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 10:58 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बाईसवां स्टॉप है वलसाद, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:52 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है वापी, यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:16 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 12:18 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौबीसवां स्टॉप है बोरीवली, यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 2:00 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है और 2:03 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। पच्चीसवां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है बांद्रा टर्मिनस, यहाँ पर यह ट्रेन आपको दोपहर के 2:55 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचा देती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।